नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोल कर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले ही अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बता दें कि लता मंगेशकर जनवरी महीने में कोविड संक्रमित हुई थी, तब से अस्पताल में भर्ती थी। रविवार को उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज़ भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज़ उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।